उसका मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस में जो जीके पोर्शन है। क्योंकि देखिए जीके एक ऐसा सेक्शन है जिस जो कि आपके रैंक डिफाइनिंग है, क्योंकि जीके और इंग्लिश पे ही आपके रैंक डिफाइन होंगे। 25-25 नंबर के दोनों सब्जेक्ट का जो है वो उसी पे मेरिट बनेगा, बाकी तो इन ये आपके मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आपके क्वालिफाइंग नेचर हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ जीके वाला जो सेक्शन है उसको कौन से बुक से पढ़ी जाए। देखिए बहुत सारे बिगिनर होंगे तो बुक तो प्रीफर करेंगे ही, क्योंकि मोबाइल से आप कितना भी पढ़ ले, बुक एक सॉलिड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप जो ग्रैब करने की शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। तो देखिए मैं कुछ बुक रिकमेंड करूँगा, चूँकि ये स्पॉन्सर नहीं है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको। मैं एकदम से फ्रीली माइंड से जो बेस्ट है वही आपको बताने की कृपा करूँगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। क्योंकि देखिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन से जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज वगैरह वगैरह पढ़नी पड़ती है। तो एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सबसे बेस्ट बुक लूसेंट के अलावा मुझे नहीं लग रही है कोई है। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि यार इससे पूरा कवर नहीं होगा, तो मैं एक और बुक आपको सजेस्ट करूंगा। लूसेंट तो आपको लेना ही लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ ही जाते हैं। आपको एक जो है वो किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमटीएस में ही, जो आपके सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, तमाम जो एग्ज़ाम में जितने भी पूछे गए हैं उसका कलेक्शन है किरण पब्लिकेशन, वो ले लीजिएगा। यानी कि दो बुक आपको प्रीफर करनी है, एक जो है वो लूसेंट और दूसरा आपके ये किरण की। और जो प्रैक्टिस की हम बात करें तो प्रैक्टिस आप जितने भी ऐप होते हैं, देखिए मैं कोई भी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि इसी ऐप से आपको पढ़ना है। अड्डा भी है, वाईफाई भी है, अनअकैडमी भी है, ओलिब है, तमाम जो ऐप है जहाँ से फ्री आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिविज़न के लिए या प्रैक्टिस के लिए चीज़ें रही है वो आप प्रीफर कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए ये दो बुक मैंने बता दिया। करेंट अफेयर्स का कल मैंने एक जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक बता दिए थे कि इसी टॉपिक से आपको पढ़ना है, ज़्यादा करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें बुक से पढ़नी है, एक बुक हमें रिकमेंड कर दीजिए, तो मैं आपको घटना चक्र का या आपके जो एसपीडी आती है उसका एक साल का जो प्रीवियस ईयर का एक जो जी आप कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स का जो बुक आती है उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। तो यानी कि बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो तीन बुक आपको मैंने बताया, एक घटना चक्र या आप स्पीडी, दोनों में से कोई करंट अफेयर्स के लिए ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के लिए किरण का ले लीजिए, और स्टैटिक जो हमेशा से मतलब जिंदाबाद रहा है वो आपके जो ये लूसेंट है वो रहा है। तो यानी कि ये इतना ही बुक लेनी है, ज़्यादा आप लीजिएगा तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि सभी का कंटेंट एक दूसरे से रिपीटेड होते हैं, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट होते हैं। तो सिर्फ आप बुक खरीदेंगे, कंटेंट बदलेगा नहीं। तो बेस्ट यही मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर, एक स्टैटिक और एक जो है वो आपके करंट अफेयर्स, इन तीनों का बुक। अब बाकी जितने भी आपको प्रैक्टिस करना है वो जितने भी ऐप आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी आपको प्रैक्टिसेज मिलते हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए, पैसे लगाने की कहीं पे कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो मैंने आपको वीडियो बनाया वो कारगर साबित होंगे। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ, और आपके कोई कमेंट हैं, कोई रिक्वेस्ट हैं, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तमाम जो क्वेरी है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। रिप्लाई देने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, रिप्लाई दिया भी हूँ, आप जितने भी जाके कमेंट चेक कर लीजिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, चूँकि ये चैनल थोड़ा सा अभी नया है तो व्यूज़ नहीं आते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसकी बातें सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद ऐसे से कैंडिडेट रहा, मैंने क्रैक किया, तो ये चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी सुनना नहीं सुनना वो तो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।